हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट अपकमिंग स्मार्टफोन जो कि मार्च महीने में इंडिया में देखने को मिलने वाले हैं, जिनमें आपको काफ़ी बड़ा सा कैमरा देखने को मिलेगा, डिस्प्ले देखने को मिलेगा, बैटरी प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इन 4 के फुल डिटेल स्पेसिफिकेशन के बारे में, प्राइस के बारे में और इंडिया में कब तक आएगा जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि इस तरह की टेक रिव्यू की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर आता है सैमसंग की तरफ से आने वाला सैमसंग गैलेक्सी A72 5G स्मार्टफोन, जो कि मिड मार्च को इंडिया में देखने को मिलेगा, जिसकी प्राइस 25 से 30 हज़ार तक होगी। बाकी इसमें आपको 6.7 इंच का सुपर एमुलेटेड प्लस का डिस्प्ले मिलेगा, स्नैपड्रैगन 765 का प्रोसेसर, 64+12+5+5 मेगापिक्सल का रियर साइड क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 5000 mAh की बड़ी सी बैटरी, उसी के साथ आपको 25W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा। बाकी इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलने वाला है। नंबर 2 पर आता है पोको की तरफ से आने वाला पोको X3 Pro, जो कि 10 मार्च को इंडिया में देखने को मिलेगा। प्राइस की बात कर ले तो इसकी प्राइस 20,000 तक होने वाली है। तो इसमें आपको 6.67 इंच का IPS रेडी का डिस्प्ले मिलेगा, स्नैपड्रैगन 732G का प्रोसेसर, 64+13+2+2 मेगापिक्सल का रियर क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा, 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा एंड 6000 mAh की बड़ी सी बैटरी विथ 33W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। नंबर 3 पर आता है मोटोरोला की तरफ से आने वाला मोटोरोला G10, जो कि मिड मार्च को इंडिया में देखने को मिलेगा, जिसकी प्राइस 10 से 11 हज़ार तक होने वाली है। बाकी इसमें आपको 6.5 इंच का IPS LCD का पैनल देखने को मिलेगा, स्नैपड्रैगन 460 का प्रोसेसर, 48+8+2+2 मेगापिक्सल का रियर साइड क्वाड कैमरा सेटअप, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 5000 mAh की बड़ी सी बैटरी एंड 10W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। नंबर 4 पर आता है रेडमी की तरफ से आने वाला रेडमी नोट 10 सीरीज, जो कि 4 मार्च को इंडिया में देखने को मिलने वाली है, जिसमें आपको 4 फ़ोन देखने को मिलेंगे, रेडमी नोट 10, नोट 10 प्रो 4G, नोट 10 प्रो 5G एंड नोट 10 प्रो मैक्स, जिनकी प्राइस 25 से 30 हज़ार तक होने वाली है। बाकी रेडमी नोट 10 की बात कर ले तो इसमें 6.57 का IPS LCD का पैनल देखने को मिलेगा, डायमेंसिटी 720G का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 48+8+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 4800 mAh की बड़ी सी बैटरी भी, 33W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलने वाला है। नंबर 5 पर आता है मोटोरोला की तरफ से आने वाला मोटोरोला G100, जो कि एंड ऑफ मार्च में इंडिया में देखने को मिलेगा, जिसकी प्राइस 20 से 25 हज़ार के अंदर होने वाली है। बात कर लेती इस फोन की तो इसमें आपको 6.7 इंच का IPS LCD का पैनल देखने को मिलेगा, स्नैपड्रैगन 870 का प्रोसेसर, 64+16+2+TOF सेंसर देखने को मिलेगा। बाकी इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 5000 mAh की बड़ी सी बैटरी विथ 20W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।